बीबी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मत्स्य पालन क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ावा देने और उद्यमियों के साथ साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बैठक का आयोजन। बैठक में मत्स्य पालन में उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर दिया गया बढ़ावा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में 15 जनवरी 2024 को पंचायती राज मंत्रालय के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी होंगे हस्ताक्षर। ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों और सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में आरआरबी और सहकारी बैंकों की मदद से महिलाओं को सशक्त बनाने पर फोकस। किसान भाइयों की मदद के लिए सरकार की विशेष मुहिम। सरकार पंचायत स्तर पर मृदा प्रशिक्षण के लिए खोल रही है प्रयोगशालाएं। किसान भाई योजना का लाभ लेने के लिए 15 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक बातचीत की अध्यक्षता की। बैठक में मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं और अन्य मत्स्य पालन स्टार्टअप के साथ जुड़कर उनकी प्रगति को समझने, चिंताओं को दूर करने और भविष्य में सहायता के लिए विभिन्न उपायों की पहचान की गई। स्टार्टअप्स ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR सहित प्रमुख हितधारकों के साथ आगे और पीछे के संबंध के लिए सहयोग और समर्थन के संभावित क्षेत्रों को प्रस्तुत करने के लिए इस मंच का लाभ प्राप्त किया। सचिव श्री अभिलक्ष लिखी ने बैठक के दौरान अपने मुख्य भाषण में मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और मत्स्य पालन स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दी जा रही निरंतर सहायता के बारे में बल दिया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में 15 जनवरी 2024 को पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए पंचायती राज मंत्रालय के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ये 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य पंचायत नेताओं के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है जिससे उन्हें सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। कार्यप्रणाली का उद्देश्य उपस्थित लोगों को संसाधनों के प्रभावी उपयोग और पंचायती राज संस्थानों के कामकाज के लिए नेतृत्व और प्रबंधन कौशल से सुसज्जित करना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने नई दिल्ली में SHG बैंक लिंकेज और वित्तीय समावेशन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों और राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के एक बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RRB और सहकारी बैंकों की भूमिका महिलाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण समाज को बदलने की होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शाखा प्रबंधकों को गांवों का दौरा करना चाहिए और वहां एक रात रुककर जमीनी हकीकत का आंकलन करना चाहिए। बैठक में विभिन्न मापदंडों पर SHG बैंक लिंकेज की प्रगति पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों द्वारा किए गए प्रस्तुति पर चर्चा की गई। ग्रामीण महिलाओं ने दिखाया है कि वे ऋण के योग्य हैं और वे विकास के लिए बैंक के ऋण का उपयोग कर सकती हैं और नियमित ऋण भुगतान भी कर सकती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का NPA घटकर मात्र 1.43% रह गया है, जो बैंकिंग उद्योग में सबसे कम है। ग्रामीण परिवारों की लगभग 10 करोड़ महिलाओं को 96 लाख स्वयं सहायता समूहों के तहत नामांकित किया गया है और योजना की शुरुआत से इन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों से 8.03 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया गया है। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुरस्कृत भी किया गया। और आगे बढ़ते हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ चालू वित्त वर्ष में 6.9-7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्तीय परामर्श और ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलाइट इंडिया ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में ये कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो एक साल पहले 7.2% थी। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर अनुमान बढ़ने का मुख्य कारण खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के कुछ खंडों का अच्छा प्रदर्शन है। डेलाइट इंडिया की हालिया आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित गति बन रही है। इसे आर्थिक बुनियाद में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का चालू खाता घाटा कैट 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% रहा और 2023-24 में इसके और कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार 568 अरब रुपए के अच्छे स्तर पर बना हुआ है, जो 10 महीने से अधिक के आयात जरूरतों को पूरा कर सकता है। और देश में किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य की सही सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा खेतों की मिट्टी की जांच कराई जाती है, जिसके बाद किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसके अनुसार किसान अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद्य उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे में किसान आसानी से अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा सकें, इसके लिए सरकार पंचायत स्तर पर मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं खोल रही है। इसके लिए ग्राम के बेरोजगार युवा, उद्यमी आदि को योजना के तहत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। इस कड़ी में राजस्थान के जयपुर जिले में इस वर्ष विभिन्न ग्राम पंचायतों में मिट्टी परीक्षण लैब खोलने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 जनवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पंचायतों में खोली जाएगी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। कृषि विभाग इस वर्ष जयपुर ग्रामीण जिले में मृदा नमूना विश्लेषण एवं सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए आमेर, आंधी, बस्सी, गोविंदगढ़, जासू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, कोटखावदा, माधोराजपुरा, सांभर एवं तुंगा पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए जिले के इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की विश्लेषण क्षमता लगभग 3000 मिट्टी नमूने प्रतिवर्ष होगी। नमूना विश्लेषण लागत राशि 300 रुपये प्रति नमूना की दर से योजना के तहत वहन की जाएगी। लाभार्थी ग्राम स्तरीय उद्यमी के लिए पात्र व्यक्ति 18 वर्ष से कम एवं 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लाभार्थी उद्यमी की योग्यता 10वीं विज्ञान उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भवन कागजात, किराया एग्रीमेंट आदि प्रस्तुत करने होंगे।
आवेदन की जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन होने के पश्चात उद्यमी को 1,50,000 रुपए की एक बारगी सहायता दी जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के प्रकोप से लोग घरों में कैद हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच राजधानी में शुक्रवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान महज 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय सबसे ठंडा रहा। वहीं अब 2 दिन कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी सुबह से कपकपी वाली ठंड पड़ रही है। वहीं कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 13 जनवरी तक बेहद घना कोहरा, फिर 14 से 15 जनवरी को घना कोहरा और इसके बाद मध्यम कोहरा रहने के आसार जताए हैं। दिल्ली से बाहर की बात की जाए तो यूपी में लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में शीतलहर और कोहरा जारी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में सुबह के वक्त अगले 5 दिनों तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं पंजाब में आज से 15 जनवरी के बीच कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रहने की आशंका है। और देश में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण क्षेत्र में इनपुट और नीति समर्थन प्रदान करने में सक्रिय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में 19वां स्थापना दिवस मनाया। IIFCL भारत में विश्व स्तरीय टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों के माध्यम से राष्ट्र विकास को गति दे रही है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत में विश्व स्तरीय टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वायत्त संस्था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। देश के सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यरत IIFCL के इस कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग डॉक्टर MP तंगिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य संस्थागत विकास के साथ सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। IIFCL इस दिशा में सार्थक काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो PM गति शक्ति इनिशिएटिव जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो रोल फुलफिल करने के लिए IIFCL का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है और IIFCL ये पिछले 3-4 सालों में ये बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है। इस दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक PR जयशंकर ने कहा कि IIFCL का ध्येय ग्रोथ विद क्वालिटी है ताकि देश की GDP को बढ़ाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है सारे देश का GDP बढ़त की सपोर्ट करता है और हमारे संस्था के माध्यम से हम उसको ग्रोथ विथ क्वालिटी दैट विल बी द न्यू मोटो फॉर अस द कमिंग ईयर्स। सम्मेलन में मौजूद नई दिल्ली में कार्यरत ग्रीक दूतावास के अधिकारी अलेक्जेंड्रोस पुदुरिस ने कहा कि भारत और ग्रीक मिलकर टिकाऊ विकास के लिए काम कर रहे हैं। Just have to quote Chanakya who said 2500 years ago that India and Greece are natural allies and in that respect Greece could be the gateway for Indian investment into Europe and vice versa. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की उपलब्धियों के विषय पर IIFCL के उप प्रबंध निदेशक पवन कुमार ने कहा कि बीते 3 वर्षों में संस्था ने 3 गुना तरक्की की है जिसके तहत 30,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृतियां जारी की गई है। इस समय 30,000 करोड़ तक के सैंक्शंस दिए हैं। हम लोग सभी में फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था में, चाहे एनर्जी सेक्टर के लिए, सब क्षेत्रों के लिए हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्थापना दिवस पर भाग लेने आए इंफ्रास्ट्रक्चर उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे। ऑयल और कोयले पे हम अपना डिपेंडेंस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा सोलार और विंड जो कि हमारे देश में बहुमात्रा में है तो उससे हम जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी में भी उसका बेनिफिट मिलेगा और पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी कम होगा।
बैंक इंस्टीट्यूशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करें, उनका फंडिंग इसके फोकस्ड होता है। स्पेशली IFCL जिसका प्रोग्राम में हम लोग आज आए हैं, उनका तो अपना अपना डिपार्टमेंट भी है। नेशनल हाईवे बनने से भी रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में काफ़ी फ़ायदा होता है, बिकॉज एक तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होता है, दूसरा ये है कि आपके हाईवे की एमिनिटीज़ बनेंगे तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और मैं इस बात का बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि ये भारत की ऐसी कंपनी है जो आज से 4 साल पहले -238 करोड़ थी, एंड विद इन 4 ईयर्स 1600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आई। गौरतलब है कि 2006 में स्थापित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी फाइनेंसर है, जो भारत के बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है। देश में आधारभूत संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी साल 2006 से लगातार राष्ट्र सेवा के लिए काम कर रही है। कंपनी ने अपने 19वें स्थापना दिवस पर एक और जहां सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अधोसंरचनात्मक विकास को काम करने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति भी जताई। मेरे से की कैमरामैन SB दुबे के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। और भारत सरकार देश के युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के जरिए प्रोत्साहन दे रही है। बेंगलुरु के रहने वाले ऐसे ही एक युवा किसान हैं कोमल उमा शंकर। कोमल ने अपना कृषि स्टार्टअप शुरू कर आज न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि देश के अन्य युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता OP यादव ने इस विषय पर बात की कोमल उमा शंकर से। भारत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रही है और इसी काम में बहुत सारे युवा हैं जो कृषि स्टार्टअप उद्यमी बन रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कोमल उमाशंकर जो बेंगलुरु में रहते हैं और उन्होंने कृषि का स्टार्टअप शुरू किया है। आइए बात करते हैं, आपने उत्तरा स्टार्टअप शुरू किया, आपके लिए और भी अवसर थे एग्रीकल्चर के अलावा भी, IT में बहुत जाते हैं कर्नाटक के लोग, आपने यही क्यों चुना? सर ये जो है फैमिली का बिज़नेस है, सो ऑलमोस्ट हम लोग 60 ईयर से यही बिज़नेस यही धंधा करके आ रहे हैं, सो फैमिली जनरेशंस टुगेदर वी हैव बीन डूइंग दिस, सो दैट वाज ए ड्यूटी, दैट इज़ द पैशन वी हैव फॉर, पैशन है ये जो करना है, ये जो फार्मर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है जो इमोशन है वो बहुत अच्छा था, सो हमको छोटे से यही पैशन था वो हम लोग फॉलो किया, उसी रास्ता पे गया हम लोग, बहुत अच्छा लगा हमको इसका जो कनेक्शन से, वो खाने का जो चीज़ है और फार्मर का जो कनेक्शन है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, सो वो प्रोडक्ट का जो भी डेवलपमेंट से वो सारा फूड प्रोडक्ट में हम बहुत प्यार से करते हैं, वो बहुत प्यार है हमारे लिए। आपने क्या क्या रेंज बनाई है यहाँ कृषि और खाद्य में, क्या क्या रेंज है आपके पास? सर हमारे पास 1000 से ऊपर प्रोडक्ट है, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मुकवास, सबको जो भी एक ग्रॉसरी बास्केट में जो भी इंसान खा सकता है, हर दिन खा सकते हैं, सारा का सारा आइटम्स है। आपने इंडस फूड एक्सपो में अपना भागीदारी निभाई है, यहाँ पे स्टॉल भी आपने लगाया, कौन कौन से देशों से आपको ऑर्डर मिले और किस तरह का फ़ायदेमंद रहा ये? बहुत सारा देशों से लोग आया हमको, ऑस्ट्रेलिया से, US से, UK से, यूरोप से, जर्मनी, फ्रांस से, ओमान, दुबई, युगांडा, केन्या, सब जगह से बहुत लोग आया, बहुत अच्छा बढ़िया एग्जीबिशन है ये, स्टार्टअप के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिधर आपका प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है, एक ही जगह पर इतना लोग मिलना उतना ईजी नहीं है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सब जगह से हम लोग ऑर्डर मिला था हमको। आप ये जो कृषि के उत्पाद है कहाँ से लाते हैं और कितने फार्मर आपसे जुड़े हैं? हमको 500 के ऊपर फार्मर के साथ टाइप है, जो कर्नाटका से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, सब जगह हमारा कनेक्शन से वो सभी का आइटम हम लेता है, उसका जो भी फार्मिंग टेक्निक से हम उसको प्री रिक्वेस्ट्स देता है, ऐसा ही करना है, जो करना है सारा हमारा हिसाब से ही करके देंगे। आपने जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, आपको इसमें गवर्नमेंट से कोई लोन वोन मिला, कितना मदद मिला सरकार से? सरकार से हमको CGTMSC जो है उसके 5 करोड़ मिला था, सब सपोर्ट सरकार से मिला था, उसी से हमारा पैसा भी लगा के हम लोग स्टार्ट किया, लेकिन सरकार से बहुत
मिशनरी में बहुत सब्सिडी मिला हमको, एमएसएमई स्कीम में सब्सिडी भी मिला था, और इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए सारा 5 करोड़ तक हमको सरकार ने सपोर्ट किया। जो युवा दूर भागते जा रहे हैं कृषि और इससे जुड़े उद्योगों से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, खेती में कितना स्कोप है कृषि प्रसंस्करण में? पूरा दुनिया में आपको ये जो फूड का बिजनेस है, जो फार्मर कनेक्टेड है, वो हर दिन का खाना हर आदमी करना पड़ता है, इसके बिना कुछ नहीं है ये बिजनेस। ये हर दिन हर आदमी हर रोज़ का धंधा है, इससे दूर जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इसी में सब कुछ है, इसी में करो, जो भी करना है इसी में करो, दूर मत भागो। तो ये थे युवा कृषि स्टार्टअप उद्यमी कोमल उमाशंकर, जिनका मानना है कि एग्रीकल्चर से मूल्य संवर्धन कर फूड प्रोसेसिंग के जरिए न केवल युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने की बहुत सारी संभावनाएं भी है। इसलिए युवा खेती से दूर न जाकर कृषि कार्य में जुड़े और मूल्य संवर्धन कर अपने खाद्य प्रसंस्करण के जरिए रोजगार, कारोबार और व्यापार की संभावनाएं तलाशे। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार हरियाणा की अंबाला मंडी में 11 जनवरी को सेब का भाव रहा 5,500 रुपए, 12 जनवरी को इसके भाव में 1,000 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 जनवरी को सेब का भाव था 15,000 रुपए, 12 जनवरी को इसके सौदे 750 रुपए गिरकर 14,250 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 जनवरी को सेब 5,000 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब के लुधियाना मंडी में 11 जनवरी को सेब का भाव था 5,000 रुपए, 12 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 11 जनवरी को यहां सेब का भाव रहा 5,500 रुपए, 12 जनवरी को इसके सौदों में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। कर्नाटक में धान की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक में गेहूं की बुआई कर सकते हैं, इसके अलावा गन्ने की कटाई करें। किसान बाजरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बाजरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ लोबिया के खेत में निराई कर लें। लोबिया के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी अमरूद के बागों में सिंचाई करें। केरल में धान की कटाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहें।
धान के खेत से ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। यहीं नारियल के खेत में सिंचाई करें। केरल में केले के बाग में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। किसान सुपारी की बुवाई करते रहें। सुपारी के खेत में सिंचाई कर लें। केरल में टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। एक हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। एक हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजकर 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। ईडी द्वारा केजरीवाल को समन करने पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र सरकार गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा भेजती है, यहां के नेता उससे भी हर संभव कमीशन खाने का प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले पर ममता बनर्जी सरकार पर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने निशाना साधते हुए घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि साधुओं पर हुए जानलेवा हमले के लिए ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में ईडी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप मामले में नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की। बैठक में दिल्ली को लेकर आप और कांग्रेस में गठबंधन की बात सामने आ रही है। दिल्ली में एक पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि दूसरी 3 सीटों पर। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए भव्य समारोह में शामिल होने पर सहमति जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह ने कहा कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले समारोह में शामिल होने में कांग्रेस को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उत्सव दुनिया भर में लगभग 1 अरब हिंदुओं द्वारा मनाया जाएगा। आगरा भी राम मंदिर को लेकर राममय हो गया है। आगरा में लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाजार में सोने और चांदी से बने राम दरबार की मांग बढ़ा दी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।
रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या, सज संवर कर बन रही भव्य और